तो गाइस आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे मेरा जो बैकलिंक है वो लाइव हो चुका है। इसको मैं इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ, ये नो फॉलो या डू फॉलो। आप देख पा रहे होंगे गाइस, ये 100% डू फॉलो ईडीयू बैकलिंक है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगा, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा, सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने वेबसाइट के लिए डू फॉलो ईडीयू बैकलिंक्स आप क्रिएट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ ही साथ आज की वीडियो में बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई मेरा जो मेल है वो वेरिफिकेशन नहीं होता, तो गाइस उसका भी मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। उसके साथ गाइस एक चीज़ मैं हमेशा बोलना चाहूँगा कि ये चैनल जो है आपका और मेरा चैनल है, जिसका नाम है एसईओ स्मार्ट की। इस चैनल के ऊपर आपको डेली बेस पे बैकलिंक्स के रिलेटेड, रैंकिंग के रिलेटेड, ट्रैफिक के रिलेटेड प्रॉपर एसईओ की वीडियोस आपको मिलती रहेगी। तो गाइस जल्दी से जाओ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और गाइस नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, क्योंकि डेली मैं वीडियोस अपलोड करते रहूँगा, आपके पास नोटिफाई होता रहेगा। उसके साथ में गाइस अगर आप चैनल पर विजिट करोगे, आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जितने भी ऑफ पेज की एक्टिविटीज़ होते हैं, चाहे वो आर्टिकल सबमिशन हो, चाहे वो ब्लॉग कमेंटिंग हो, चाहे वो बुक मार्किंग हो, चाहे वो गेस्ट पोस्टिंग हो, आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। आप जो है बस प्लेलिस्ट को वॉच करो, उसको अप्लाई करो, ताकि आपको जो है अच्छा खासा रिजल्ट आपको मिलेगा। इसके साथ में गाइस आज जो बैकलिंक जो मैं आपको जो क्रिएट करके जो सिखाऊंगा, वो बैकलिंक बनाने के लिए जो है मैं टेम्प मेल का यूज़ करूंगा, वो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको मेल भी यूज़ करना है। तो गाइस वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। आप देख पा रहे होंगे गाइस ये वेबसाइट है, ये ईडीयू वेबसाइट है। सबसे पहले इस वेबसाइट का DAP और स्पैम स्कोर और डोमेन रेटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप देख पा रहे होंगे गाइस स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा 92 इसका DA है, स्पैम स्कोर खाली 1 है, और ये USA बेस्ड वेबसाइट है। और गाइस इसका जो एज देख सकते हो 35 साल पुरानी वेबसाइट है, 35 ईयर्स पुरानी वेबसाइट है। तो गाइस गूगल में ट्रस्टेबल वेबसाइट है, और सबसे बड़ी बात ईडीयू वेबसाइट है। और इस वेबसाइट की अगर मैं डोमेन रेटिंग की बात करूँ, तो गाइस आप देख पा रहे होंगे 90 इसका डोमेन रेटिंग है, मीन्स 92 DA है, और 90 जो है उसका DR है। तो गाइस आपने देख लिया। अब इसमें जो है बैकलिंक्स कैसे क्रिएट करना है, वो भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपको करना क्या होगा, आपको बस वेबसाइट पर जाना है, जो मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूंगा, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद सबसे टॉप में आपके एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्ट्रेशन का, सिंपली बस रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे गाइस, रजिस्ट्रेशन पे जैसे आप क्लिक करोगे, उसके बाद आई एग्री का ऑप्शन मिलेगा। तो गाइस आपको उस पर क्लिक करना है, आई एग्री पे। जैसे आप क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे आप अपना यूजर नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड, और आई एम नॉट रोबोट का जो क्वेश्चन होता है वो चीज़ आपको यहाँ पे पुटअप करना है। और उसके लिए गाइस टेम्प मेल आप यूज़ कर सकते हो, सिंपली आप कोई भी टेम्प मेल यूज़ कर दो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दिक्कत आएगी मेल वेरिफिकेशन के लिए, वो भी उस चीज़ का भी मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, आप बस देखते रहो। जैसे आप सारी डिटेल्स को अपडेट करोगे, उसके बाद जो है आपके पास मेल आएगा, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे गाइस। लेकिन गाइस इस मेल पे जो है लिंक जो है वो क्लिकेबल नहीं है, लेकिन आपको जो है वो क्लिकेबल करना है। जैसे आप देख पा रहे होंगे गाइस, यहाँ पे साफ साफ अक्षर में लिखा गया है कि प्लीज़ विजिट द फॉलोइंग लिंक टू एक्टिव यूअर अकाउंट। तो गाइस ये जो लिंक जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो, HTTPS करके लिखा हुआ है, और लास्ट में जो है कैपिटल N है। तो गाइस इस लिंक को आपको कॉपी करना है और न्यू टैब में आपको ओपन करना है। उसके बाद आपका जो लिंक है वो आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि गाइस बहुत सारे बंदों को जो है ऐसा लगता है कि लिंक आया नहीं है, लिंक क्लिकेबल नहीं है, तो गाइस अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा। तो गाइस आपको जो है इस तरह से अकाउंट को वेरीफाई करना है। तो गाइस मेरा जो अकाउंट है वो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, मैं साइन इन कर लेता हूँ। तो गाइस लॉग इन करने के बाद आपको सिंपली आपको करना क्या होगा, आपको बस यूज़र कंट्रोल पैनल पर आपको जाना है। जैसे आप देख पा रहे होंगे गाइस, जैसे आप वहाँ पर जाओगे, तो गाइस वहाँ पर जो है आपको सेकेंड ऑप्शन मिलेगा प्रोफाइल का, आपको बस प्रोफाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे वेबसाइट का URL हो गया, लोकेशन हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। तो गाइस सारी डिटेल्स आप अपडेट कर देना, आप अपने अकॉर्डिंगली अपडेट करने के बाद आपको बस सबमिट करना है। तो गाइस जैसे आप अपने डिटेल्स को अपडेट करोगे, उसके बाद आपको लाइव URL के लिए आपको करना क्या होगा, आपको सिंपली आप देख पा रहे होंगे गाइस, सबसे टॉप में जो आपको मेंबर्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको बस मेंबर्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे गाइस, मेंबर्स का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, और जैसे आप मेंबर्स पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके पास जो है पूरी लिस्ट आ जाएगी मेंबर्स की। और आपको देख पा रहे होंगे गाइस, यहाँ पे 1, 2, 3 करके जो है लास्ट तक नंबर दे रखा है। जो लास्ट नंबर होगा गाइस, उस नंबर पे आप क्लिक कर देना। आप देख पा रहे होंगे गाइस, लास्ट नंबर पे कोई भी मेंबर नहीं है। उसके बाद वाला नंबर को आप दोबारा क्लिक करके देखना। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे गाइस, यहाँ पे मेरा नाम आ चुका है, और इस नाम पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, मेरा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली लाइव URL मुझे मिल चुका है। और इसको मैं इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे कहीं पर भी
नो फॉलो नहीं है, 100% डू फॉलो बैकलिंक्स है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपको बैकलिंक बनाना चाहिए, और तरीका आपको समझ आ गया होगा कि मेल वेरिफिकेशन करने के लिए भी आपको किस तरह से करना है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगता है तो गाइस वीडियो पे एक लाइक जरूर कर देना, और कमेंट करके जरूर बताओ कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के रिलेटेड